अरविंद का पूर्ण योग और उसका महत्व। भारतीय इतिहास के मध्य काल में कुछ शारीरिक क्रियाओं अथवा खान पान के नियमों का नाम ही योग पड़ गया था। दूसरे शब्दों में योग शारीरिक क्षमता का एक अभ्यास बन गया था अथवा व्यवहार की एक मर्यादा हो गया था। अरविंद का योग व्यवहारिक कर्मों की कुछ अंशों में उपयोगिता मानते हुए भी अपना विशेष ध्यान चेतना की गति अथवा वृत्तियों के व्यवहार पर रखता है। दृष्टांत के लिए अरविंद इस बात को विशेष महत्व नहीं देते कि रसनेन्द्रिय को जीतने के लिए भोजन का नियंत्रण कुछ बाह्य व्यवहारिक नियमों द्वारा किया जाए। भारतीय साधना प्रणाली में उपवास को एक प्रधान साधन के रूप में माना गया है, परंतु अरविंद इसके पक्ष में अधिक नहीं है, क्योंकि साधारणतया उपवास करने की अवस्था में मनुष्य भोजन का अधिक चिंतन करता है अथवा उसके बाद अधिक लालच से खाता है। रसनेन्द्रिय के संबंध में साधना का लक्ष्य होना चाहिए कि मनुष्य आवश्यकता के अनुसार बिना लालच या अरुचि के हर स्थिति में एक सी प्रसन्नता की भावना से भोजन करे। उसके लिए सदा गंभीर चित्त की अभीप्सा होनी चाहिए। उसके लिए कभी उपवास का उपयोग भी किया जा सकता है, परंतु उपवास का आध्यात्मिकता से कोई निश्चित या अमिट संबंध नहीं है, और जबरदस्ती उपवास रखना तो स्पष्टतः हानिकारक है। जबरदस्ती का विचार अरविंद के योग के प्रतिकूल है। अनेक साधक इंद्रिय विषयों से घबराकर जो विषय उन्हें ज्यादा तंग करते हैं उससे उल्टा कर्म करना चाहते हैं। जैसे किसी का मन बार बार स्वादिष्ट पदार्थों के पीछे लगता हो तो वह परेशान होकर अत्यंत विरोधी कर्म पर उतारू हो जाता है, जैसा हम प्रायः अघोरियों आदि के बारे में सुना करते हैं। साधारण श्रेणी के साधकों के मामले में ऐसी चेष्टा वास्तव में सफल नहीं होती। किसी क्लिष्ट वृत्ति या आदत को सुधारने के लिए उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा किसी बिगड़े हुए बालक को सुधारने के लिए किया जाता है। जैसे बिगड़े हुए बालक को सुधारने के लिए यदि ताड़ना की जाती है तो बाद में उसे समझाया भी जाता है कि उचित व्यवहार क्यों ज्यादा अच्छा है। हमारा उद्देश्य हमेशा यही रहता है कि अंततः बच्चे को स्वयं यह विश्वास हो जाए कि सभ्य व्यवहार करना ही उसके योग्य है और वही उसकी सामान्य और सहज स्थिति हो जाए। इसी प्रकार साधक के लिए भी आवश्यक है कि वह असीम धीरज के साथ धीरे धीरे मन को मनाता चला जाए, जिससे उसका स्वभाव स्वयमेव बदलता जाए। जबरदस्ती को हम बिल्कुल निरर्थक नहीं कह सकते। बच्चे को ताड़ना भी दी जाती है, उसे कई बार अनुचित कार्यों से जबरदस्ती रोका जाता है, पर स्वभाव का जड़ से परिवर्तन इस प्रकार संभव नहीं। स्वभाव और आंतरिक वृत्ति को बदलने के लिए उसके दबाने से काम नहीं चलता, बल्कि ज्ञान और सहानुभूति के साथ उसे मनाकर ठोस रास्ते पर लाना ही आवश्यक होता है। अरविंद का योग विशेष रूप से मनोवैज्ञानिक है। साधना के सिद्धांत तो सबके लिए एक से ही हैं, परंतु किसके लिए, किस समय अथवा किस अवस्था में कैसी साधना उपयोगी है, यह प्रत्येक व्यक्ति के आंतरिक विकास और स्थिति पर निर्भर है। यहीं पर वास्तव में गुरु की आवश्यकता अनिवार्य हो जाती है। साधना और योग में पुस्तकें पढ़कर इसीलिए सफलता नहीं मिलती कि इनके क्रम भेद बड़े सूक्ष्म हैं। अवस्था और व्यक्ति के भेद से इनके क्रम में भेद करना आवश्यक होता है। अरविंद ने एक स्थान पर कहा है कि वास्तव में योगी का गुरु परमात्मा है, पर विशेष व्यक्तियों को छोड़कर सामान्यतया साधक के लिए शरीरधारी गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु अपने आत्मबल से सूक्ष्म रूप में साधक की आत्म जिज्ञासा को जागृत करता है
और अपने उसी सूक्ष्म प्रभाव द्वारा उसे भिन्न भिन्न परिस्थितियों में से गुजारते हुए चेतना के मार्ग पर अग्रसर कराता है। साधारणतया योग का उद्देश्य समाधि अवस्था और उसका आनंद माना जाता है। भारतवासियों की वर्तमान धारणा के अनुसार इसके लिए संसार का त्याग आवश्यक समझा जाता है। अधिकांश आध्यात्म विषयक ग्रंथों में इसी मत का प्रतिपादन किया गया है। केवल गीता ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसने इस मत को स्वीकार न करके संसार को ही आध्यात्मिकता का वास्तविक क्षेत्र माना है। अरविंद भी योग का अधिकारी प्रत्येक व्यक्ति को मानते हैं और कहते हैं कि एक समय आएगा जब समग्र मानव जाति की चेतना विकसित होकर वर्तमान की अपेक्षा कहीं अधिक उच्च स्तर को प्राप्त कर लेगी, उच्च स्थान पर पहुंच जाएगी। अरविंद की योग प्रणाली के तीन मौलिक अभ्यास हैं, एक अभीप्सा एस्पायरेशन, दूसरा परित्याग रिजेक्शन, तीसरा आत्मोद्घाटन डिवाइन इन्फ्लुएंस। अभीप्सा का अर्थ है गंभीर आत्म जिज्ञासा की अंतः चेष्टा। यह ऊर्ध्वमुखी और अंतर्मुखी होती है। यह आत्मा की अपने पूर्णानंद के लिए खोज है। अभीप्सा के इस स्वरूप का आधार अनुभव ही है और साधक कुछ अभ्यास के पश्चात ही उसे स्पष्ट पहचानने लगता है। प्रारंभ में तो अभीप्सा साधारण इच्छा के समान ही जान पड़ती है, पर इन दोनों में बड़ा अंतर है। इच्छा वास्तव में हमारी बाह्य चेतना, सामान्य मन बुद्धि की चेतना है जो बाह्य जगत के पदार्थों से रूप रस गंध आदि को ग्रहण करती है। इन रूप रस आदि के लिए हमारे मन में ग्रहण अथवा त्याग की जो प्रेरणा उत्पन्न होती है उसी का नाम इच्छा है। इसके विपरीत जब हम बाह्य पदार्थों के ऊपरी रूप रस गंध को नहीं बल्कि उनके आंतरिक भाव और सत्य को ग्रहण करते हैं तब हमको अपने भीतर एक गंभीर प्रेरणा का अनुभव होता है, वही अभीप्सा है। योग मार्ग की उपयोगिता। योग मार्ग को साधु सन्यासियों या गृह त्यागियों की चीज समझना एक बड़ी गलती है। इसका उद्देश्य वास्तव में शरीर मन और आत्मा को इस प्रकार प्रशिक्षित करना है जिससे वे विपरीत परिस्थितियों में भी अपना संतुलन स्थिर रख सकें। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि यह संसार केवल फूलों का बगीचा ही नहीं वरन इसमें कांटे भी हैं, और सच पूछा जाए तो वर्तमान समय में तो अधिकांश व्यक्तियों के लिए कांटों की ही प्रधानता है। ऐसी स्थिति में योग दृष्टि को अपनाया जाए तो प्रत्येक परिस्थिति में मनुष्य मन को संतुलित और शांत रखकर अपना कर्तव्य पालन कर सकता है, और जो सदैव अपना कर्तव्य पालन करता रहता है उसका ही जीवन सफल माना जाता है। यदि समग्र मानव जाति को इस मार्ग की जानकारी करा दी जाए और वे अपनी मनोवृत्तियों को इसी के अनुकूल बना लें तो निस्संदेह पृथ्वी पर देवत्व का अवतरण हो सकता है।